मार्केट में खरीदारी करने के लिए आए हैं, चिवड़ा गुड़ और त्यौहार से संबंधित सामान खरीदने के लिए आए हैं। तो महंगाई का कितना असर दिख रहा है? महंगाई का कोई बहुत असर नहीं है, त्यौहार मनाना है तो 2-4 रुपए ऊपर नीचे तो कुछ होता रहता है, उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता है। रावर्सगंज नगर में आज 28वां युग कक्षा खुला हुआ है, जिसका जो शुभारम्भ आज हम लोग मिलकर किए हैं और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि नगर में हर व्यक्ति को योग से जोड़ा जाए और पूरा परिवार योग करेगा तो निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर के पास उसको नहीं जाना पड़ेगा। और हम लोगों का आज जो है नगर भ्रमण भी किया गया, जो हम लोग के पतंजलि के जिला महामंत्री है सुनील चौबे जी के नेतृत्व में और बार के अध्यक्ष प्रेमराज पांडे के नेतृत्व में हुआ है। इसमें सभी जो है महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सब लोग भाग लिए हैं और काफी संख्या में जो आज आए हैं और हम लोग मनाए हैं। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि सबको स्वस्थ और निरोग बनाना। ये दान पुण्य तो दो संक्रांति पर गई, इस मारे 14 और 15 और थोड़ी बहुत पब्लिक प्रयागराज कुंभ चली गई है, इसके कारण पब्लिक यहाँ पर स्नान कम हुआ और इसके मारे दान पुण्य कम हो रहा है आज। तो संक्रांति क्यों मनाई जाती है? संक्रांति यूँ मनाई जाती है, अपना साल भर का जो दान पुण्य जो मनसते हैं माता बहने जो भाई बंधु हुए हैं वो यमराज जी और यमुना जी के लिए पहले यमुना जी को पूजा जाता है और फिर यमराज जी को पूजा जाता है, क्योंकि दो ही पर्व आते हैं, एक संक्रांत और एक जन्मदुतिया वाला। ये यमराज जी का होता है और ये यमुना जी की, संक्रांत पर पहले यमुना जी और फिर धर्मराज जी।